زرقا لا تنري نفسك أنا الرق. पाकिस्तानी सिल्वर स्क्रीन की मारूफ अदाकारा नीलू बेगम, आज के सुपरस्टार शान शाहिद की वालिदा और अपने जमाने के मारूफ हिदायतकार रियाज शाहिद की अहलिया थी। नीलो 1940 में सरगोधा की तहसील भेरा में पैदा हुई। नीलू बेगम का ताल्लुक एक मसीह घराने से था और इनका असल नाम परवीन अलेक्जेंडर था। इन्हें फिल्मी दुनिया में नीलू बेगम के नाम से जाना जाता था। 16 साल की उम्र में लाहौर में फिल्माई जाने वाली हॉलीवुड फिल्म भवानी जंक्शन से उन्होंने फिल्मी सफर का आगाज किया। उन्होंने एक के बाद एक कामयाब फिल्म दी और फिर इनका वजूद पाकिस्तानी फिल्मों के लिए नागुजीर हो गया। नीलू बेगम पर कई मशहूर गाने फिल्माए गए, जिनमें फिल्म 7 लाख का गाना आए मौसम रंगीले सुहाने और फिल्म अजरा का कुछ भी न कहा और कह भी गए नुमाया है। नीलू बेगम ने मुतैद फिल्मों में काम किया, जिनमें दोशीजा, नागन, डाची, अजरा, जीदार, शेर दी बच्ची, आखिरी निशान, चंगेज खान, कोयल, सहरा और बुलंदी नुमाया है। नीलू बेगम ने हिदायतकार रियाज शाहिद से शादी के वक्त इस्लाम कबूल किया और उनका नाम परवीन से तब्दील करके आबिदा रखा गया। 60 की दिहाई में जब नीलू बेगम शोहरत की बुलंदियों पर थी तो मगरबी पाकिस्तान में उस वक्त के गवर्नर शाह ईरान के दौरे पाकिस्तान के दौरान नीलू बेगम को उनके सामने रक्स के लिए कहा गया, लेकिन नीलू बेगम ने इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में उन्हें हरासा किया गया और इस जुर्रत पर रियाज शाहिद ने नीलू से शादी कर ली थी। जबकि मारूफ शायर हबीब जालिब ने नीलू के उन्मान से एक नज्म लिखी, तू के ना वाकिफ आदाब शहनशाही थी, रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है। इस नज्म को बाद में फिल्म जरका में नीलू बेगम पर फिल्माया गया। ये फिल्म फलस्तीन के मौजू पर बनाई गई थी, इसलिए जालिब की इस नज्म के मिसरों को तब्दील करके तू के ना वाकिफ आदाब गुलामी है मगर रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है कर दिया गया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नुमाइश के 100 हफ्ते पूरे किए। यो जरका पाकिस्तान की पहली डायमंड जुबली फिल्म करार पाई। इस फिल्म के बाद जब नीलू और रियाज शाहिद की बेटी पैदा हुई तो उसका नाम भी उन्होंने जरका रखा। जरका के हिदायतकार रियाज शाहिद मरहूम थे। जरका से कब्र शहीद में उन्होंने अरबों के तेल के जखायर पर अंग्रेजों के कब्जा को मौजू बनाया। ससुराल, जरका, ये अमन और गरनाता, 4 ऐसे शाहकार उन्होंने पेश किए जो अपनी मिसाल आप हैं। जरका में रियाज शाहिद ने मसले फलस्तीन पर कलम उठाया। फिल्म का आगाज एक फलस्तीनी मुजाहिद हसन यानी यूसुफ खान की तकरीर से होता है, जिसके सामने एक अंधा फलस्तीनी मुजाहिद शाबान लुत्फी यानी के अलाउद्दीन मौजूद है। नौजवान ने साथियों से शाबान लुत्फी के अज़्मो हिम्मत और आज़ादी फलस्तीन के लिए दी गई कुर्बानियों का जिक्र करता है। इस मौका पर शाबान लुत्फी अपनी दास्तान का आगाज करता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। स्क्रीन पर एक नक्शा जलता हुआ दिखाई देता है। एक फलस्तीनी सरदार खालिद यानी के फजल हक अपनी बीवी बेगम आरिफ से महवे गुफ्तगू है और इसराइली फौज की जाहिरियत पर तशवीश का इजहार करता है। खालिद की बेटी जरका नीलो अपने वालिद की गुफ्तगू पर इस कदर तवज्जा नहीं देती, इसे बस अम्मार यानी कि एजाज का ख्याल है जो इससे मोहब्बत करता है और उसका मंगेतर भी है। खालिद जरका से अम्मार के बारे में दरियाफ्त करता है, जिस पर वो कहती है कि अम्मार बैतुलमुकद्दस गया था, आज वापस आ रहा है। इसी असना में अम्मार की पुकार उसके कानों में टकराती है। वो वालाना अंदाज में बाहर की जानिब दौड़ पड़ती है। अम्मार और जरका मिलते हैं कि इसराइली फौज का मेजर डेविड यानी कि तालिश उनके गाँव पहुँच जाता है। अपने एक यहूदी फौजी के कातिल के बारे में जरका के वालिद खालिद से जवाब तलब करता है। खालिद के इनकार पर वो इसे कत्ल कर देता है। खालिद की बीवी अपने कमसिन बेटे हसन को लेकर वहां से चली जाती है, जबकि अम्मार जरका को अपने साथ लेकर चला जाता है। खालिद के कत्ल के बाद जरका अपने बाप के मिशन की तकमील के लिए तहरीक आज़ादी में शामिल हो जाती है। इस तहरीक का सरबरा शाबान लुत्फी है। इस तंजीम का नाम अल आसफा है। शाबान लुत्फी की तहरीक में शामिल अफराद की सरगर्मियों का महवर इलाका का कहवाखाना है, जहां फलस्तीनी नौजवान आते हैं जिन्हें रक्स सरूर की महफिल में फलस्तीन की आज़ादी की तहरीक में शामिल होने के लिए आमादा किया जाता है। यहूदी मेजर डेविड को जब मुखबिर के जरिए अल आसफा तहरीक की इस सरगर्मी का इल्म होता है तो वह कहवाखाना की रकासा को गिरफ्तार कर लेता है। कहवा खाना बंद हो जाता है। शाबान लुत्फी जरका को आमादा करता है कि वो रकासा के तौर पर अपना फ़र्ज अदा करे। इब्तदा में जरका इनकार करती है,
बाद अज़ां अम्मार के इसरार और समझाने पर वो कहवाखाना में रक्स करने लग जाती है। इधर यहूदी मेजर डेविड की बीवी एंजेला यानी कि नासरा अपने शौहर को बताती है कि अलास्वा तहरीक में एक लड़की शामिल हुई है जो तहरीक को आगे बढ़ा रही है। मेजर डेविड अपने कैप्टन यानी कि अनवर मिर्ज़ा को हुक्म देता है कि वो इसके खिलाफ कार्रवाई करे। कैप्टन भेस बदलकर शबान लुत्फी के गिरोह में शामिल हो जाता है और एक कार्रवाई में जरका शबान लुत्फी अम्मार और इसके साथियों को गिरफ्तार करवा देता है। लेकिन गिरफ्तारी से कबल शबान लुत्फी पर यहूदी कैप्टन का राज फाश हो जाता है और वो इसको कैद में डाल देता है। शबान लुत्फी को चेहरे से कोई नहीं जानता, इसलिए तमाम गिरफ्तार होने वाले खुद को शबान लुत्फी जाहिर करती थी। अपने साथियों का जज्बा देखते हुए शबान लुत्फी इकरार करता है कि ये सब झूठ बोलते हैं, मैं ही शबान लुत्फी हूँ। शबान लुत्फी का एक दोस्त सनाई जो चोर है इससे मिलने आता है और अड्डे पर कोई नहीं मिलता। कैद खाना में कैप्टन उसे मिलता है जिसके जरिए तमाम कहानी उसे मालूम होती है, तो वो शबान लुत्फी को आज़ाद कराने के लिए कैप्टन से रिहाई का सौदा करता है और बिलाखिर एक कार्रवाई के जरिए शबान लुत्फी को आज़ाद करके ले जाता है। तहम जरका उनकी कैद में ही होती है। मेजर डेविड तैश में आकर जरका पर जुल्म करता है और उसे रक्स करने पर मजबूर कर देता है। जरका के सामने उसकी ज़ईफ़ वालदा को भी कत्ल कर दिया जाता है। मेजर डेविड जरका से राज उलवाने के लिए अपनी बीवी एंजेला को जिम्मेदारी सौंपता है। एंजेला जरका से मुलाकात करती है। जरका की बातों से उसका ज़मीर जाग उठता है और वो अपने कपड़े जरका को पहनाकर वहां से फरार करा देती है। कैप्टन नशे में धुत वहां पहुंचता है और एंजेला की इज्जत जरका समझ कर लूट देता है। मेजर डेविड को जब इस हकीकत का इल्म होता है तो अपने कैप्टन को गोली मार देता है। शबान लुत्फी जरका अम्मार सनाई और दीगर यहूदी फौज के हेडक्वार्टर को तबाह करने का मंसूबा बनाती है। वो हेडक्वार्टर को तबाह करने के लिए निकलते हैं तो शबान लुत्फी एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन अम्मार और जरका बच निकलते हैं। इस मारका में सनाई और अम्मार मारे जाते हैं जबकि मेजर डेविड शबान लुत्फी की आंखें जाया कर देता है। जरका यहूदी हेडक्वार्टर को खुदकश हमला करके तबाह कर देती है। शबान लुत्फी अंधा होकर कमसिन हसन के साथ फलस्तीन की आज़ादी का गीत गाता है और इस यकीन का इजहार करता है कि फलस्तीन की आज़ादी के लिए कुर्बानियों का यह सिलसिला जारी रहेगा। जहां इस फिल्म की कहानी मुनफरिद और मुकालमे असरंगेज थे, वहीं इसका शोबाए मौसीकी भी काबिले तारीफ है। फिल्म में अच्छे गीत हैं जो अपनी मिसाल आप हैं। मेहदी हसन, मुनीर हुसैन, नसीम बेगम और माला ने इन गीतों को अपनी उम्दा गायकी से अमर कर दिया। मरकजी किरदार में नीरो अपने फनी करियर की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती दिखाई देती है। जिस जमाने में जरका बनी उस वक्त ज़्यादातर फिल्में ब्लैक एंड वाइट बना करती थी, लेकिन ये फिल्म कलर नेगेटिव पर फिल्मबंद की गई। रियाज शाहिद के असर गेज मुकाबले में आज भी लोगों को अजबर हैं, जबकि बहैसियत हिदायतकार फन की बुलंदियों पर दिखाई देती है। जरका की नुमाइश 17 अक्टूबर 1969 यानी कि 1969 को हुई। कराची में कोहनूर सिनेमा पर इस फिल्म की नुमाइश हुई और आवाम ने इस फिल्म का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया। जरका ने 101 कम्बाइंड हफ्ते मुकम्मल करते हुए पाकिस्तान की पहली डायमंड जुबली फिल्म का एजाज हासिल किया। इससे कबल तक पाकिस्तानी फिल्मों की कामयाबी के दायराकार जीदार अरमान चकोरी की शक्ल में सिर्फ प्लैटिनम जुबली यानी कि 75 हफ्ते तक महदूद था। जरका के कामयाबी से पाकिस्तानी सिनेमा को शायकीन का एतमाद मिला। नीलो की जरका बिलाशुबा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का फख्र है।